भारत की ताजपोशी के साथ एशिया कप संपन्न हो गया। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को बिल्कुल एकतरफे मुकाबले में 10 विकेट से पराजित किया। एशिया कप के दौरान बारिश एक समस्या बनी रही, लेकिन जो ग्राउंड्समैन हैं उनका काम काबिले तारीफ रहा और यही वजह है कि खिलाड़ी प्रदर्शन कर सके और हमें भारत एक चैंपियन के रूप में मिला। तो ग्राउंड्समैन पर पैसों की बारिश हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एशिया कप जीतने पर भारत के ऊपर भी पैसों की बारिश हुई है, श्रीलंका को भी पैसे मिले हैं। तो किस टीम को एशिया कप में कितना पैसा मिला आज बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिला और किस पर कितने की पैसों की बारिश हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने एशिया कप में शानदार जीत दर्ज की, फाइनल में श्रीलंका को पराजित किया और चैंपियन बनी 8वीं बार। और आपको बता दूं कि इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल जीतने के लिए, एशिया कप लिफ्ट करने के लिए भारत को जो है ठीक ठाक अच्छे खासे पैसे मिले हैं। तो आपको बता दूं कि भारत को जो है 1,50,000 $1,50,000 जो है इनामी राशि के तौर पर मिले हैं, मतलब कि 1,24,63,000 रुपए भारतीय टीम को एशिया कप खिताब जीतने के लिए मिले हैं। श्रीलंका रनर अप रही तो श्रीलंका को उपविजेता होने पर $75,000 $75,000 मिले हैं, मतलब कि 62,31,000 रुपए श्रीलंका को मिले इनामी राशि के तौर पर। तीसरे स्थान पर बांग्लादेश की टीम रही और बांग्लादेश की टीम को पुरस्कार में 51,00,000 मिले हैं। हालांकि पाकिस्तान पिछड़ गया, उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा है, तो पैसे भी उसी लिहाज से मिले हैं, सिर्फ 25,00,000। तो 25,00,000 रुपए से पाकिस्तान को संतोष करना पड़ा है। अफगानिस्तान और नेपाल की टीम को 10-10,00,000 रुपए दिए गए हैं। तो ये हुई टीमों के बीच जो पुरस्कार राशि बटी उसका हिसाब किताब। अब हम खिलाड़ियों पर आते हैं और अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो रविंद्र जडेजा को जो कैच लिया था उन्होंने कैच ऑफ द मैच के लिए $3,000 $3,000 मिले, मतलब कि 2,49,000 रुपए रविंद्र जडेजा को मिले। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द एशिया कप, एशिया कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो आपको जो है कुलदीप यादव को मिला है, उन्हें मिले हैं $15,000 $15,000, मतलब कि 12,46,000 रुपए। मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच हुए, कमाल की गेंदबाजी की, 6 विकेट लिए सिर्फ 21 रन देकर, तो उन्हें प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। और प्लेयर ऑफ द फाइनल के लिए जो है उन्हें $5,000 $5,000 मिले, मतलब कि 4,15,000 रुपए। इसके अलावा जो वहां पर क्रिकेट ग्राउंड पर ग्राउंड स्टाफ थे जिन्होंने की कड़ी मेहनत की और मैदान को और पिच को सुरक्षित रखा ताकि मुकाबले खेले जा सके, इस वजह से उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। और उन्हें जो है अगर हम बात करें तो $50,000 $50,000 जो है वो ग्राउंड स्टाफ को मिला है, मतलब 41,54,000 रुपए जो ग्राउंड स्टाफ थे उनको पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद सिराज ने मैन ऑफ द मैच के रूप में जो उन्हें पुरस्कार राशि मिली $5,000 $5,000 की, वो भी जो है ग्राउंड्समैन को ही सौंप दिया, तो एक तरह से वो 4,15,000 रुपए भी ग्राउंड्समैन को ही मिले। तो ये है जो पुरस्कार राशि बांटी गई। इसके अलावा चमचमाती एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय कप्तान ने उठाई, पूरी टीम बहुत खुश थी और ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार एशिया कप की ट्रॉफी जीती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।